हेलो, मैं हूँ बाबा डूड। अबे क्या कर रहे हो? अबे पागल! अबे मैंने बोला मैं सन्यासी बाबा हूँ, संजू बाबा नहीं। कौन सा म्यूजिक बजा रहा है यार? मैं यहाँ पर लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाने आया हूँ, बॉलीवुड का नहीं। तो शुक्र मनाओ मैंने गुस्से और क्रोध पर काबू पा लिया है। कंट्रोल बाबा, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सब पुराना भूल जाओ, क्योंकि सब मोह माया है। यहाँ कॉमेडी सर्कस से सबको हंसाया है। अरे बंगलो हो या वन रूम किचन, भले इसका हो सोहेल को पाने का मिशन, भूल जा। अर्चना जी, शाहरुख लाओ या चंकी, नहीं चलेगी नौटंकी। अरे जो आया है वो जाएगा, वरना बेचारा शेर खान कैसे बनाएगा। पर अर्चना जी, फिल्म हिट हो जाने के बाद तो कॉमेडी सर्कस वालों से मिलने आएगा ना? आएगा। सब मोह माया है। अरे बाबा सब जानता है, भूत भविष्य धरती अंबर सब छानता है। कश्मीर हो या बिहार, स्वर्ग हो या नरक का द्वार, बाबा को सारे रास्ते पता है। बेबी कैन यू प्लीज टेल मी विच वे टू द बांद्रा बैंड स्टैंड? नहीं मतलब तुम्हारा तो आना आना लगा रहता होगा। आना आना क्योंकि जाने तो वो देता नहीं है। अर्चना जी ये मेरी छोटी सी कुटिया है, और आप तो देख सकती हैं कि यहाँ पर मैं दुनिया के सारे ऐशो आराम से दूर जंगल के बीचों बीच अकेला जो यहाँ मिलता है उसी से खान पान कर लेता हूँ। ज्यादा कुछ खाने को मिलता नहीं है। सॉरी, भक्तों ने भिजवाया है हमारे लिए, लीक कर रहा है वो अलग। अर्चना जी आप सोच रही होंगी मैं बाबा क्यों बना। अरे हिंदुस्तान में और कुछ चले ना चले बाबा जरूर चलता है, है कि नहीं? और बाबा मैं तो इतना जानता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में एक बाबा के आने में 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हर 9 मिनट में एक बाबा खड़ा हो जाता है। बाबा के सत्संग का टाइम हो गया है, बाबा की आइटम आई मीन टू से हमारी दासी आती होगी। उर्वशी कहाँ रह गई तुम? भक्तजनों हाय। एक्सक्यूज मी, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम कहाँ रह गई थी उर्वशी 2 लाखिया? बाबा हाल ही में मैंने 50 लाख की लॉटरी जीती है, इसलिए आज मेरा नाम है उर्वशी 50 लाखिया। बात तुमने 50 लाख की करी, 5-2 कौड़ी का था। क्या कर रही हो यार, इतना लेट क्यों हो रही है? सॉरी बाबा लेट हो गई, लेकिन आप शुरू हो जाइए, क्योंकि आपकी ऑडियंस, मेरा मतलब है आपके भक्त आ गए हैं। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, अपने भक्तों की आंखें खोलो। अरे नहीं, आंखें बंद रहने दो, आंख खोलता तो बहुत क्रिटिसाइज करता। बंद रख, बंद रख। अब हम ध्यान करने के लिए भजन करेंगे। हाँ हाँ, भजन शुरू किया जाए। भजन शुरू करते हैं। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अब 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 बच्ची कह रही है चिंता चिता के समान है। चिंता अर्थात की चिता, आज किसको चिंता नहीं है? विपुल डी शाह को चिंता है कि निकुल देसाई कंपनी का मालिक ना बन जाए। अर्चना को चिंता है सोहेल परमानेंट ना बन जाए। पिंकू को चिंता है श्रुति अगले सीजन में तबला खुद ना बजाने लग जाए। वाह 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 वाह, क्या बात। अब मैं रिस्क ना लेते हुए रिकॉर्डेड भजन सुनना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, हम रिकॉर्डेड भजन सुनेंगे। शीला शीला, अब मैं क्या बोलूं? हाँ, शीला कौन है? शीला आत्मा है, जीवन में आत्मा है, शरीर के अंदर छुपी आत्मा है, क्योंकि शीला की जवानी किसी के हाथ नहीं आनी। आत्मा को ढूंढने की कोशिश हो रही है लेकिन कोई नहीं पा सकता। वीर हो या रणवीर, मामला है गंभीर, बना लो कितनी भी जान, लेकिन शीला को लेकर जाएगा ओनली सलमान। बलवानों के बलवान सलमान महान, जिनको विवाह का नहीं है कोई लोभ, जिनका चलता है हर किसी पर रोब, न्यू कमर्स के है वो बॉडी गार्ड। सब लोगों को करते हैं सलाम ठोक के और कहते हैं मैंने जीत ली है सारी जंग, रहते हैं मलंग और गाते हैं सलमान बाबा का नया कपाल भाती है। ट्राई कीजिए, आपकी भी सलमान जैसी बॉडी बन जाएगी। मालिक है, हाँ? मेरी दुकान बंद करा के रहोगी? तुम जाके हमारे शयन कक्ष में हमारे आराम का बंदोबस्त करो, हम अभी अभी आसन लगाने आते हैं। ओके बाबा, ओके मैं जाती हूँ। और सुनो, हाँ? सारे आसन दिखाना बाबा। भक्तगणों, फ्री फंड का श्रीखंड खाओ और सवाल पूछो।
ओहो इतने सारे हाथ, अच्छा तुम बाबा की जय हो। तुम्हारी भी हो। बाबा आपके और उर्वशी की सीडी कब आएगी? अब शूटिंग चल रही है, 4 सीन बाकी हैं, अगले हफ्ते तक आ जाएगी। साले तो बोला था दुकान पे आ गया, पूछा कर यहाँ काहे को पूछता है? कोई और सवाल पूछना चाहता है? इतने सारे हाथ, अच्छा तुम पूछ। बाबा कई महीनों से मेरे मन में विचार चला था ये शेर खान कब बनेगी। बेटा सवाल पूछो, अफवाहें मत उड़ाओ। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। जीते रहो बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गई? बाबा जी मैं अपनी पत्नी से बड़ा सताया हूँ, घर के सारे काम करवाती हूँ, ऊपर से पीटती भी है। बाबा जी मुझे सन्यास लेना है। सब ठीक हो। हस्बैंड कितने है मेरा हस्बैंड? अरे स्यापा स्यापा, अरे घर पे इतना काम पड़ा है और तुम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हो? हैं? ओ काहे का इंजॉय जी, मैं तो इनसे सन्यास लेने आया हूँ। अच्छा, और घर पे इतना सुंदर सन्यास पड़ा है उसका क्या? बाबा जी किसको समझाओगी, पति की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ओफो, पूजा अर्चना कौन सी बड़ी बात है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माय गॉड, खबरदार जो तूने पूजा अर्चना किया तो, और साले तेरे को पूजा अर्चना का नाम लेने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं तो पूजा अर्चना खुद कर लिया कर, पूजा अर्चना नाम मत लेना इन दोनों का। बाबा बाबा अब आप ही बताओ, खुद तो ये 18 महीने का पेट लेके घूम रहा है, मेरे को तो 9 महीने का भी नसीब नहीं है। इससे अच्छा तो मेरा बहन का पति है, उसे ना वो हनीमून के लिए वहां लेके जा रहा है जहाँ बहुत बर्फ होती है ना। कहाँ, फ्रिज में लेके जाते हैं? ऐसी कैसी साले, या इसका तंदूर उबल रहा है, तेरे को फ्रिज की पड़ी है? देखो ना बाबा, इसे समझाओ ना। बाबा जी आप ही ना कैसी कैसी बातें, आपको शोभा देती है। अरे काहे की शोभा देती है, शोभा नहीं देती है। मेरी बात सुनो, छोटे समझाओ उसे आप। बाबा जी सुनो, ये तुम्हारे अंदर इमरान हाशमी ढूंढ रही है, तुम अशोक कुमार बने घूम रहे हो हैं छोटे। बाबा जी इमरान हाशमी क्या होता, मुझे जरा खुल के समझाओ। मूंछ ठीक करो तुम पहले अपनी, मूंछ ठीक करो। रहने दो जी, आजकल सब कुछ ढीला ढीला चल रहा है। ओह माय गॉड बाबा, ओ बाबा मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा की कृपा से 9 महीने बाद तुम्हें बेबी मिलेगा। ये देखिए बाबा जी क्या मिला। अरे सोहेल खान? नहीं नहीं ये आप हैं। गौर से पहचानिए इस दरिंदे को। ये दरिंदा जो कमजोर और मासूम लड़कियों को शोषण करता है। मैं हूँ दीपिका चौरसिया, आज कल और परसों तक से, और आज हमने इस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया है। ऐसे बाबा हमारे सवाल पे सवाल या निशान है। बाबा बताइए आपने ढोंग क्यों किया, बताइए बाबा। बोलिए 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 बाबा, बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के सारे न्यूज चैनल्स के बाप डैडी वन में। डैडी वन, डैडी वन। मैं हूँ विश्वजीत पांडे। आपने फिल्में बनती हुई देखी होंगी, लेकिन आज न्यूज बनते हुए पहली बार देखी है। आजकल के न्यूज चैनल्स जो टीआरपी की रेस में खबरें बनाते हैं, इनका काम है खबरें ढूंढना, ना कि खबरें बनाना। सचिन तेंदुलकर कब रिटायर होंगे वो बताएंगे, सचिन तेंदुलकर को कैसे खेलना है वो बताएंगे। सांप और नेवले की लड़ाई बनाने वाले ब्रेकिंग न्यूज न्यूज चैनल को हम यही कहना चाहेंगे, निष्पक्ष रहो, किसी का साइड नहीं लो। आई डोंट नीड योर व्यूज, आई जस्ट वॉन्ट न्यूज। बारी बरसी खटन गया सी, खटन यादा सत्रा। बारी बरसी खटन गया सी, खटन यादा सत्रा। ओए पक्की कर,